हाय फ्रेंड, वेलकम टू दीक्षा के एंड से। तो फ्रेंड, मैंने इससे आगे वाले वीडियो में स्वेटर के सेकंड पार्ट बनाया था। ये वाली स्वेटर है, यहाँ से मैंने नीचे के पार्ट बनाया था। आज मैं उसी के फर्स्ट पार्ट बनाने जा रही हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये रेगलन पैटर्न कैसे बनाना है और कितना स्टिच कास्ट ऑन करना है, स्टिचेस को कैसे डिवाइड करना है, वो सब डिटेल्स में सीखेंगे। स्टिचेस को डिवाइड करने के लिए मैंने इस तरह के स्टिच मार्कर बनाया है। 8 स्टिच मार्कर है मेरे पास और ये बेबी सॉफ्ट वूल है जो कि मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर किया था। और मेरे पास 2 mm के 60 cm के निटिंग नीडल है। अब हमें इसी से स्टिचेस कास्ट ऑन करना है। फर्स्ट हम वूल डबल कर लेंगे इस तरह से, 98 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। उसके हिसाब से मैंने इस तरह से वूल डबल कर लिया। अगर आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं तो इस तरह से आप थोड़ा सा वूल छोड़ के 2 नीडल साथ में पकड़ के रखिएगा और फिर 98 टाइम्स नीडल में वूल लपेट लेना है और फिर लपेटा हुआ वूल निकाल के यहाँ पर एक नॉट बनाएंगे सेंटर में इस तरह से, और फिर यहाँ पर नीडल लगाकर स्टिचेस कास्ट ऑन करना शुरू करेंगे। थंब और फिंगर ऐसे करके 2 वूल के बीच में लगाना है और फिर इस तरह से स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। इस तरह से करने से बॉर्डर जो है अच्छे से आता है। तो मेरे नीडल और वूल बहुत ही पतला है, इसलिए मैं 98 स्टिचेस कास्ट ऑन कर रही हूँ। आपके नीडल डिफरेंट साइज के हैं और वूल भी 4-ply है, तो आपको इसे थोड़ा सा कम स्टिच कास्ट ऑन करना होता है। नीडल डिफरेंट साइज के है और उल भी 4-ply है, तो आप 80 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लीजिएगा। तो मेरे उल बहुत ही पतला है, इसलिए मैं 98 स्टिचेस कास्ट ऑन कर रही हूँ। अब मैंने 98 स्टिचेस कास्ट कर लिया। अब हम फर्स्ट रो उल्टा बुनेंगे। पैटर्न बहुत ही सिंपल है, दोनों साइड से हमें उल्टा ही बुनना है, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। ये देखिए कितना कम यार्न बचा। अब इस तरह से फर्स्ट रो उल्टा बुन के हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, आप पलट लीजिए। अब हम सेकेंड रो से इन स्टिचेस को रेगुलर पैटर्न के साथ 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट फ्रंट पार्ट बुनेंगे 13 स्टिच, फिर रेगुलर बुनेंगे यहाँ पर 6 स्टिच, फिर यहाँ पर शोल्डर के पार्ट बुनेंगे 11 स्टिच, फिर रेगुलर बनेंगे, फिर यहाँ पर बैक पार्ट बनेंगे 26 स्टिच, फिर से रेगुलर 6 स्टिच, फिर शोल्डर के पार्ट और रेगुलर बुन के लास्ट में फ्रंट पार्ट बनेंगे। कुछ इस तरीके से मैंने 98 स्टिच को डिवाइड किया है। ये बैक पार्ट, 2 शोल्डर पार्ट और 2 फ्रंट पार्ट। बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, शोल्डर पार्ट और यहाँ पर रेगुलर आएगा, 4 रेगुलर आएगा। बैक पार्ट में हम 26 स्टिच रखेंगे और फ्रंट पार्ट में 26 के आधा इस साइड रखेंगे और आधा इस साइड, यानी कि 13 13 स्टिचेस, और शोल्डर में रखेंगे 11 11 स्टिच और रेगुलर में हम
सिक्स सिक्स स्टिच रखेंगे। अब फर्स्ट हम यहाँ से बुनना शुरू करेंगे, 13 स्टिच फ्रंट पार्ट में बुनेंगे और फिर रेगलन बुनेंगे 6 स्टिच, फिर से शोल्डर पार्ट बुनेंगे 11 स्टिच, फिर से रेगलन बुनेंगे 6 स्टिच, बैक पार्ट बुनेंगे 26 स्टिच, अगेन रेगलन बुनेंगे 6 स्टिच, शोल्डर पार्ट बुनेंगे 11 स्टिच, रेगलन बुनेंगे 6 स्टिच फिर से और फ्रंट पार्ट फिर से 13 स्टिच। इस तरीके से हमने 98 स्टिच को डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट बुनेंगे 13 स्टिच, फर्स्ट स्टिच स्लिप करेंगे और सेकेंड स्टिच ऐसे करके उल्टा बुनेंगे। पैटर्न बहुत ही सिंपल है, बस हमें दोनों साइड से सीधा और उल्टा बुनना है। दो हो गया, तीन, चार, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, थर्टीन स्टिचेस फ्रंट पार्ट के बुन लिया। अब हम यहाँ पर एक स्टिच मार्कर लगाएंगे ताकि हमें बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, तो स्टिच मार्कर लगा लिया। अब यहाँ पर सिक्स स्टिच रेगलन के बुनेंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। अब फिर से और एक स्टिच मार्कर रेगलन हो गया। अब हम शोल्डर के पार्ट बुनेंगे 11 स्टिच, यहाँ पर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, शोल्डर के पार्ट 11 स्टिच हो गया। अब यहाँ पर और एक स्टिच मार्कर, आप फिर से सिक्स स्टिच रेगलन के बुनेंगे, टू, थ्री, फोर, फाइव और एक सिक्स। आप फिर से और एक स्टिच मार्कर, अब बैक पार्ट बुनेंगे 26 स्टिच, वन, अब मैं इसी तरह से काउंट करके 26 स्टिच बुन लेती हूँ। बैक पार्ट में मैंने 26 स्टिच बुन लिया। अब यहाँ पर इस तरह से स्टिच मार्कर लगाएंगे और फिर यहाँ पर 6 रेगलन बुनेंगे, 6 स्टिच, 3, 4, 5, सिक्स। अब फिर से और एक स्टिच मार्कर, अब यहाँ पर शोल्डर के पार्ट बुनेंगे 11 स्टिच, अलेवन स्टिच बुन लिया शोल्डर के पार्ट के। अब यहाँ पर एक स्टिच मार्कर, अब रेगलन बुनेंगे 6 स्टिच, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और एक स्टिच मार्कर। अब बाकी के स्टिच फ्रंट पार्ट के 13 स्टिच है, इसे बुनेंगे। अब मैंने रेगलन पैटर्न के साथ स्टिचेस को इस तरीके से डिवाइड कर लिया।
फ्रंट पार्ट रेगलन, शोल्डर पार्ट रेगलन, बैक पार्ट रेगलन, शोल्डर पार्ट रेगलन एंड देन फ्रंट पार्ट। अब हम यहाँ से रो थर्ड, थर्ड रो से यहाँ पर बटन होल बनाएंगे और यहाँ पर रेगलन पर दो स्टिच इंक्रीज करते हुए बुनेंगे। फर्स्ट स्टिच स्लिप करेंगे, सेकंड स्टिच बुनेंगे, तीन स्टिच बुन लिया, एक दो तीन। अब यहाँ पर हम बटन होल बनाएंगे तो दो स्टिच अब हम साथ में बुनेंगे। यहाँ पर हम दो स्टिच डिक्रीज करेंगे, दो स्टिच साथ में बुनेंगे तो एक स्टिच डिक्रीज हुआ और फिर से ये उतरा हुआ स्टिच वापस नीडल में लगाकर फिर से दो स्टिच साथ में बुनेंगे। दो स्टिच डिक्रीज हुआ यहाँ पर, अब यहाँ तक बुनेंगे। यहाँ पर स्टिच मार्कर है तो अब हम यहाँ पर एक स्टिच इंक्रीज करेंगे इस तरह से। ऊल ऐसे करके थंब में लेंगे और फिर इस तरह से एक स्टिच बढ़ाएंगे। बढ़ गया, अब स्टिच मार्कर स्लिप करेंगे, दूसरे नीडल में शिफ्ट करेंगे और ये रेगलन बुनेंगे। रेगलन हम सीधा बुनेंगे यार्न पीछे। अब रेगलन के सिक्स स्टिच सीधा बुनेंगे, स्टिच रेगलन के सीधा बुन लिया। अब स्टिच मार्कर शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर इस तरह से एक स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर भी एक स्टिच इंक्रीज करना है और यहाँ पर भी एक स्टिच इंक्रीज करना है। एक बार दो स्टिच मार्कर में दो ही स्टिच इंक्रीज करना है। अब यार्न आगे है, अब ये शोल्डर 11 स्टिच शोल्डर के बुनेंगे यहाँ तक 11 स्टिच शोल्डर के बुन लिया। अब यहाँ पर एक स्टिच इंक्रीज करेंगे और स्टिच मार्कर शिफ्ट करेंगे यार्न पीछे। अब सिक्स स्टिच रेगलन के सीधा बुनेंगे, स्टिच मार्कर शिफ्ट। अब यहाँ पर एक स्टिच इंक्रीज करना है। स्टिच मार्कर शिफ्ट करने से पहले ही यहाँ पर एक स्टिच इंक्रीज करेंगे, फिर स्टिच मार्कर स्लिप करेंगे एंड देन सिक्स स्टिच सीधा बुनेंगे, फिर से स्टिच मार्कर शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर एक स्टिच बढ़ाएंगे इंक्रीज करेंगे। अब बैक पार्ट के अब यार्न आगे और बैक पार्ट के 26 स्टिच बुनना है। बैक पार्ट बुन लिया, अब आ गई हूँ स्टिच मार्कर के सामने तो यहाँ पर एक स्टिच इंक्रीज करेंगे और स्टिच मार्कर शिफ्ट करेंगे यार्न पीछे, सिक्स स्टिच रेगलन बुनेंगे। सिक्स स्टिच बुन लिया, स्टिच मार्कर शिफ्ट और एक स्टिच इंक्रीज करेंगे और यार्न आगे। अब 11 स्टिच शोल्डर के बुनेंगे, एलेवन स्टिच शोल्डर के बुन लिया। अब स्टिच मार्कर स्लिप
और सॉरी स्टिच मारकर अभी स्लिप नहीं करना है, अब तो वन स्टिच इंक्रीज करना है, इस तरह से बढ़ाना है और यर्न पीछे करके स्टिच मारकर स्लिप करना है। अब रेगलन के 6 स्टिच सीधा बुनेंगे। रेगलन बुन लिया, स्टिच मारकर स्लिप, यहाँ पर और एक स्टिच इंक्रीज करेंगे। अब ये फ्रंट पार्ट में 13 स्टिच है, इसे बुनेंगे। अब लास्ट 13 स्टिच फ्रंट पार्ट के बुन लिया, अब पलट लीजिए, ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है, ऐसे तो दोनों साइड एक जैसा ही आता है। अब रो नंबर 3, 3rd रो में उल्टी साइड है, तो अब हमें सारे स्टिचेस उल्टा बुनना है, जो हमने रेगलन में सीधा बुना था उसे भी उल्टा ही बुनना है। स्टिच मारकर स्लिप, अब ये रेगलन के पैटर्न है तो इसे हमने यहाँ पर सीधा बुना था, अब उल्टी साइड से उल्टा ही बुनेंगे। जब भी हम रेगलन बुनेंगे तो सीधी साइड से सीधा ही बुनना है और उल्टी साइड से उल्टा ही बुनना है। अब मैं ऐसे ही 4th रो कंप्लीट करूँगी। अब 4th रो के आ गई हूँ मैं लास्ट पर, जो कि हमने यहाँ पर बटन होल बनाया था 2 स्टिच डिक्रीज करके। अब हम यहाँ पर इस तरह से 2 स्टिच इंक्रीज करेंगे इस तरह से, और ये 3 स्टिच बुनेंगे। आपको थोड़ा बड़ा बटन चाहिए तो आपको 3 स्टिच डिक्रीज करके होल थोड़ा सा बड़ा बनाना है, तो मैं छोटा सा ही बटन लगाऊंगी तो इतना सा है, ऐसे तो ये बाद में बढ़ ही जाता है, अभी छोटा दिख रहा है, बाद में बड़ा ही होगा। तो 2 स्टिच डिक्रीज करके ऐसे करके होल बनाने से भी अच्छा ही होता है। आप पलट लीजिए, 5th रो 1st स्टिच स्लिप कीजिए या फिर बुनिए, एक ही बात है। 2nd स्टिच बुनेंगे, ये जो ये बड़ा हुआ स्टिच है वो हमने बटन होल के वो जो उठाया था फिर से बढ़ाया था वो स्टिच है, इसे भी बुनेंगे। यहाँ तक जाएंगे बुनते हुए, स्टिच मार्कर के जस्ट पहले हम एक स्टिच इंक्रीज करेंगे, सीधी साइड से इंक्रीज करना है। बुन लिया, आप स्टिच मार्कर के जस्ट पहले एक स्टिच इंक्रीज करेंगे, भूलना नहीं है, और स्टिच मारकर स्लिप करेंगे। ये रेगलन है तो इसे हम सीधा बुनेंगे, 6 स्टिच। 1st स्टिच मारकर से जस्ट पहले एक स्टिच इंक्रीज करेंगे और स्टिच मारकर स्लिप करके रेगलन के सीधी साइड से बुनाई करेंगे, और फिर 2nd स्टिच मारकर स्लिप करके और एक स्टिच इंक्रीज करेंगे। ऐसे तो स्टिच मारकर की ज़रूरत अभी है नहीं, आप इस तरह से देख के समझ से जाते हैं, फिर भी आपको लगता है कंफ्यूज हो रहे हैं तो स्टिच मारकर रहने दीजिए।
अब फिर से और एक स्टिच इंक्रीज करेंगे, यर्न आगे, अब शोल्डर के पार्ट बनेंगे। आ गई हूँ रेगुलर और स्टिच मार्कर के सामने, तो एक स्टिच स्लिप करेंगे, यर्न पीछे, स्टिच मार्कर स्लिप, अब रेगुलर के 6 स्टिच बुनेंगे। स्टिच मार्कर शिफ्ट और एक स्टिच इंक्रीज करेंगे। अब बैक पार्ट बुनेंगे, 26 स्टिच था तो थर्ड रो में हमने 2 स्टिच इंक्रीज कर दिया यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो अब हमारे पास 28 स्टिच है। ऐसे ही आगे जितना हम बुनाई कंटिन्यू करेंगे उतना ही स्टिचेस इंक्रीज होते हुए जाता है। अब बैक पार्ट 28 स्टिच बुन लेना है, अब फिर से एक स्टिच इंक्रीज करना है, यर्न पीछे, स्टिच मार्कर स्लिप, रेगुलर बुनेंगे। स्टिच मार्कर शिफ्ट, एक स्टिच इंक्रीज करना है, यर्न आगे, अब शोल्डर के पार्ट, स्टिच मार्कर स्लिप करने से पहले एक स्टिच इंक्रीज करना है, स्टिच मार्कर स्लिप, रेगुलर सीधा बुनेंगे, यर्न पीछे, स्टिच मार्कर स्लिप, एक स्टिच इंक्रीज, यर्न आगे, अब ये फ्रंट पार्ट के ये 13 स्टिचेस था, 2 स्टिच बढ़ गया, तो अब 15 स्टिचेस हो गया। इन 15 स्टिचेस को बुनेंगे। फिफ्थ रो कंप्लीट हुआ, अब रो नंबर 6 रो में सारे स्टिच हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे, स्टिच मार्कर स्लिप करेंगे और उल्टा बुनेंगे। दोनों साइड से तो हम उल्टा ही बुन रहे हैं, अब सीधी साइड से यहाँ पर ये जो रेगुलर है यहाँ पर इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके डिजाइन देंगे। अब हम रेगुलर के स्टिच को ट्विस्ट करेंगे, 3 स्टिच इस तरह से स्लिप करके फर्स्ट इसे नीडल में लगाएंगे और पीछे के 3 स्टिच उतारेंगे इस तरह से, और फिर इसे आप ध्यान से देखिएगा इस तरह से यहाँ पर लगाकर पीछे के 3 स्टिच ऐसे करके आगे करके इस तरह से लगाएंगे। पैटर्न जो है इस तरह से ट्विस्ट जैसा दिखेगा, यर्न पीछे, रेगुलर के स्टिच हम सीधा ही बुनेंगे हर बार, सीधी साइड से सीधा ही और उल्टी साइड से उल्टा ही, तो 6 स्टिच ऐसे ही नॉर्मली ट्विस्ट करने के बाद नॉर्मली सीधा बुन लेना है। बुन लिया, अब स्टिच मार्कर स्लिप और एक स्टिच इंक्रीज करेंगे। अब मैं फिर से यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिखाऊंगी। इंक्रीज करना हमें नहीं भूलना है,
यहाँ पीछे स्टिच मारकर स्लिप, अब ट्विस्ट करना है। खुल ना जाए अच्छे से इसे लगाना है। फिर यहाँ पर सीधा बुनेंगे यहाँ से ऐसे करके। अब हम हर सिक्स रो बुन के आगे ऐसे रेगुलर में ट्विस्ट करते हुए जाएंगे और फिर सीधी साइड से जहाँ पर भी स्टिच मार्कर दिख रहा है उसके आगे एक स्टिच इंक्रीज करेंगे और पीछे एक स्टिच इंक्रीज करेंगे और दो इंच के आसपास जैसे मैंने आपको दिखाया ऐसे करके एक एक बटन होल बनाते हुए आगे की बुनाई कंटिन्यू करना है। और फिर आर्म होल की लेंथ पूरी होने के बाद शोल्डर के स्टिच अलग करके फ्रंट और बैक को साथ में जोड़ना है। बाकी मैंने दूसरे पार्ट में डिटेल्स में बताया है कैसे आगे की बुनाई करना है। नीचे की बुनाई ये टॉप पार्ट है तो टॉप पार्ट में आप ऐसे ही फॉलो करते जाइए। जहाँ पर भी स्टिच मार्कर दिख रहा है वहाँ पर स्टिचेस इंक्रीज करते हुए जाइए तो एक बार में 8 स्टिच इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर दो, ऐसे करके आगे की बुनाई आर्म होल की लेंथ पूरी होने तक कंटिन्यू करना है। 6 इंच करीब आपको बुनना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ मेरे ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। Thank you for watching.